बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चित्र वर्णन कहते किसे हैं। किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। और इसमें कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंट वाइज। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। चित्र किसके बारे में है, किस घटना पर आधारित है, है ना। चित्र वर्णन करते समय अपने जो हम वाक्यों को है क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। फिर उसके बाद वाक्य रचना का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र वर्णन में प्राणियों के हाव भाव, मुख मुद्रा, सुख दुख, आशा निराशा का वर्णन करना चाहिए। चित्र वर्णन में आप सबसे पहले प्राकृतिक दृश्यों में कल्पनाशीलता का सहारा लेकर दृश्यों का वर्णन किया जा सकता है। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर में हम ध्यान से देखो इसे कि सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जोरों की बारिश हो रही है और उसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों के अपनी कल्पना के अनुसार नाम रख लेते हैं। अब देखो, इसमें बच्चों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार चित्र में रोहन और अंकिता को भी बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। दोनों बारिश का मजा लेने के लिए घर से कागज की नाव बनाकर लेकर आए हैं और पानी के तेज बहाव में अपनी अपनी नाव तैराने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उसी समय उनका एक और मित्र कहाँ आ रहा है, साइकिल पर सवार होकर बारिश का आनंद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पड़ोस में रहने वाला मयंक कहाँ दिखाई दे रहा है, अपनी छत पर, और वो वहाँ अपनी छत पर ही बारिश का आनंद ले रहा है। जहाँ बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं, वहीं रोहन के दादाजी बारिश में भीगने से बचने के लिए छतरी लेकर निकल रहे हैं। बारिश का यह मौसम बच्चों के लिए आनंद प्रदान करने वाला होता है, है ना। सभी बच्चे इस बारिश में जी भरकर खेलते हैं और अपनी गतिविधियों से आस पड़ोस के लोगों का भी मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे समय में बच्चों का आपसी तालमेल और खेल भावना देखने लायक होती है। अब बच्चों देखो, अब हम एक और चित्र का वर्णन करेंगे। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर में आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन है, है ना। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम पिक्चर चित्र का वर्णन करेंगे। आज क्या है, स्कूल की छुट्टी है। रवि और रमा अपने माता पिता के साथ कहाँ आए हैं, चिड़ियाघर देखने के लिए आए हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, चिड़ियाघर जाने के लिए टिकट लेते हैं, तो उन्होंने भी टिकट खरीदा। फिर वो कहाँ गए, चिड़ियाघर के अंदर आ गए। तो सबसे पहले वे कहाँ पर आए, बंदरों के पिंजरों की ओर गए। वह बड़ी संख्या में उन्हें क्या दिखाई दिया, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बंदर। कुछ बंदर कहाँ बैठे हैं, जमीन पर, और कुछ पिंजरों पर लटके हुए हैं। कुछ बंदर के बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए हैं, और जो रमा और वो हैं रवि, उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। रवि के हाथ में मूंगफली की थैली देखकर एक बंदर बड़ी तेजी से उसकी ओर आया और रवि के हाथ से थैली झपट कर ले गया। इस झपट्टे से रवि डर गया। फिर आपने देखा कि इसके रवि के जो पापा हैं, उन दोनों को जो फिर वो बंदरों को देखकर, जब बंदर ने रवि के हाथ से तेजी से क्या मूंगफली की थैली छीनी ना, तो क्या हो गया, रवि डर गया और थैली को हाथ से जब मंदिर लेकर गया उसके बाद, और बंदरों ने जब उसके हाथ में थैली देखी, आपस में वो मूंगफलियों के लिए लड़ने लग गए। ये देखकर रवि और रमा को फिर बहुत मजा आया, वे खुशी से ताली बजाने लग गए। फिर रवि के पापा ने बंदरों को कह दिए, केले दिए, और केले पाकर बंदर बहुत खुश हुए। धन्यवाद। देखा कितना आसान है ना चित्र वर्णन करना। आप इसी तरह से जो मैंने आपको पिक्चर्स दिए हैं, आप उन्हीं का चित्र वर्णन करेंगे। धन्यवाद।